बेसिकली यहाँ से समझ में आ रहा है कि ऑफिस की बात बारे में बात कर रहे हैं. ऑफिस कोई भी हो सकता है जहाँ पे हम बेसिकली सीए का ऑफिस हो गया या कोई साइबर कैफे हो गया जहाँ पे लोग बैठ के हम कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप पे कंप्यूटर पे सिस्टम कोई भी डेस्कटॉप. तो उसमें जितनी भी चीजें आ गई फॉल सीलिंग हो गया या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए एसी है जो भी फिक्स्चर फर्नीचर जो भी हमारा लगा हुआ है वो हमारा ऑफिस इंश्योरेंस में कवर हो जाता है. कवरेजेस क्या होती है कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाना या आग लग जाना बाढ़ हो जाना या चोरी हो जाना सामान चोरी हुआ या कोई ताला तोड़ के आया ऑफिस में से सामान निकाल के ले गया कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप जो है तो वो सब कवर होता है वो होता है ऑफिस इंश्योरेंस. अच्छा ये इस तरीके से क्योंकि इसमें कोई बेसिकली हम सामान स्टॉक नहीं कर रहे हैं शॉप में बेसिकली हम अपना सामान स्टॉक करके रखते हैं किसी तरह का. और ऑफिस में सिंपली ये है कि हम यहाँ पर अपना कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पर कोई किसी तरह ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो सामान यहाँ नहीं रखते हैं तो वो भी अंतर है. तीन तरह के होते हैं. एक तो बेसिकली किसी का ऑफिस है बिल्डिंग ओनली किसी की बिल्डिंग है रेंट पे दे रखी है बिल्डिंग का वर्क कर. एक भी होता है कि बिल्डिंग और के साथ साथ कंटेंट कंटेंट से मतलब जो भी फिक्चर फर्नीचर जो हमने लगाया एसी है और जो भी फॉल सीलिंग और हमने जो भी कंप्यूटर लैपटॉप अटैच कर रखे हुए. और तीसरा एक हो गया जिसमें हमारा सिर्फ कॉन्टेंट है कॉन्टेंट से मतलब कि हमने रेंट पे ले लिया और हमने अपना सीए का ऑफिस एग्जाम्पल जहाँ पे लोग सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर्स और फॉल सीलिंग लगा के इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क कर सकते हैं. तो वो तीसरा आपको चार लाख की पॉलिसी है तो मैं बोलता तीन साढ़े तीन सौ रुपए पर पर्सन का. तो ये दो प्रकार होते हैं. तो ये आप पॉलिसी के साथ इनबिल्ट भी आता है आप पांच बंदों का नाम देते हैं तो उसमें भी हो जाता है और आप पॉलिसी के साथ अलग से एक सेपरेट पॉलिसी भी ले सकते हैं. इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉइज को कवर करते हैं.